आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी बताने जा रही हूँ और ये मैं दो तरह से बना के रेडी करूँगी। और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, ये रेसिपी हमारी झटपट बन के रेडी हो जाती है। तो गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने एक चम्मच देसी घी ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप डेसिकेटेड कोकोनट, इसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। तो इसे लो फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, बस ज्यादा नहीं, केवल हमें इसे 2 मिनट के लिए भूनना है। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे उतना ही हमें इसे पकाना है। तो 2 मिनट में ये देखिए भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध। तो ये मैंने वही दूध लिया है जो गर्म करके ठंडा कर लेते हैं, मैंने वही दूध लिया है। तो आधा कप यहाँ पे मैंने दूध लिया है और 2 से 3 मिनट में ये दूध इसमें अच्छे से एब्जॉर्व हो जाता है। ये देखिए दूध एब्जॉर्व कर लिया है इसने, नारियल के बुरादे ने। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी का यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे आधा कप तक चीनी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको मिठास पसंद हो आप उसमें वैसी ही चीनी ऐड करें। ये देखिए चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, 2 से 3 मिनट लगता है चीनी को इसमें घुलने में। तो अब हम इसको एकदम हलवाई जैसा टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने से क्या होगा कि इसमें एकदम हलवाई जैसा टेस्ट आएगा इस मिठाई में। तो ये मैंने ऐड कर दिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिल्क पाउडर को इस मिश्रण में। तो इसे अच्छे से मिला लें, 2 मिनट में अच्छे से इसमें मिक्स होके पक जाता है। तो अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/3 चम्मच इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दी है और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये डो जैसा बनने लगेगा, एक जगह कलेक्ट होने लगेगा। ये देखिए कैसे मिश्रण एक जगह कलेक्ट होने लगा है। तो ये हमारा ये मिक्सचर बन के रेडी है। थोड़ा सा मिक्सचर हम कढ़ाई में ही रहने देंगे और हम प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी हमें अंदर की फिलिंग बना के रेडी करनी है। तो अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, काजू, बादाम, पिस्ते और किशमिश, और थोड़े से केसर के धागे थे मैंने दूध में भिगा के रखे थे 2 चम्मच दूध में, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारी बहुत ही अच्छी फिलिंग बन के रेडी हो जाएगी, येलो कलर आएगा, केसर से ही बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। 2 मिनट लगते हैं इसे, ये देखिए ये फिलिंग भी हमारी बन के रेडी है। तो अलग हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए येलो कलर की फिलिंग है और ये वाइट कलर का मिक्सचर है। अब इस वाइट कलर के मिक्सचर को हमें इस मोदक मोल्ड में फिल करना है। तो पहले हम मोदक मोल्ड को देसी घी से ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए इसे ऐसे कर लें और उसके बाद ये वाइट वाला जो मिक्सचर है वो हम लेके इसमें फिल कर देंगे दबाते हुए इसमें, और बीच में हम थोड़ी जगह बना लेंगे क्योंकि इसमें हमें येलो कलर की जो मैंने फिलिंग बनाई है वो इसमें फिल करना है। तो ये देखिए अब ये जो फिलिंग है ये हम इसमें भर देंगे प्रेस करते हुए, देखिए दबा देंगे इसे। और बाहर से फिर ये जो वाइट वाला मिक्सचर है ये हम थोड़ा सा लगा देंगे इसे, क्योंकि बहुत ही इजी है ये मिठाई बनाना। तो अब हम मोदक मोल्ड खोल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारे स्टफ्ड नारियल के मोदक बनके रेडी हैं। तो आप चाहें तो इसके स्टफ्ड लड्डू भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता के दिखाऊंगी, उसको भी बनाना बहुत ही आसान है। तो हाथों को देसी घी से ग्रीस कर लें, ये वाइट वाला मिक्सचर ले लें और इसे हाथों से ऐसे ही फैला लें, और ये जो येल्लो वाली फिलिंग थी इसको गोल करके इसके अंदर, ये देखिए कैसे मैं इसे प्रेस करती जा रही हूँ, येलो वाली फिलिंग को अंदर की तरफ दबा रही हूँ और ऐसे ही हाथों को घुमा रही हूँ। तो ये इसमें अच्छे से स्टफ्ड हो जाता है। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी स्टफ्ड नारियल के लड्डू बनके रेडी हैं और ये मोदक बनके रेडी हैं। तो आप इसे दो तरह से बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो, और इसका टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग आता है। तो ये हमारे स्टफ्ड लड्डू हैं।